So, namaskar and welcome back. We are back with another Brainwars. Nakul sir aur mera pehla wala live bahut logon ko pasand aaya. Is baar hamara jo topic hai, that is ki CA ke saath saath kya hame regular college karna chahiye? No, ye bahut bilkul karna chahiye. Bahut different. Sir, shuru to karne to ladai baad mein karenge. So, I think this is one of the main problems a lot of CA students face ki भाई कॉलेज जाएंगे उसके बाद सीए की स्टडी करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे. तो नकुल सर ने तो अपना बता दिया कि वो तो कहते हैं कॉलेज जाना चाहिए. मेरा बड़ा सिंपल असूल है कि अगर आपने सीए करने की सोच ली है तो एक सिंगल माइंडेड फोकस चाहिए. आपको कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए थॉट में. बीकॉम में आप टाइम वेस्ट करेंगे उस डिग्री का आज की डेट में मेरे हिसाब से कोई रेलेवेंस नहीं है. एंड इफ यू मेड अप योर माइंड टू डू सीए आपको बीकॉम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सो मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आपको कॉलेज बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है. वेरी सीरियस व्हेन आई से दिस. नकुल सर ओवर टू यू. बच्चों अभी जो भी तुली सर ने बोला सपोर्ट करना है रीजन के साथ कि क्यों करना चाहिए. अगर बिल्कुल रीजन के साथ करूंगा. जो भी तुली सर ने बोला आप उसे आराम से सुनो और अब सुनने के बाद मेरी बातें ध्यान से सुनना. देखो ध्यान से एक एक बात को सुनना. अगर आप सीए कर रहे हो तो 92-95% चांसेस है कि डेफिनेटली आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे होगे. तो अब मैं तुली सर को जवाब देता हूं और तुली सर इस चीज को एग्री करना ही पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं कि मैं एग्री करूं चांस नहीं. देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूं आपके बीकॉम का सिलेबस और आपके सीए का सिलेबस जब आप सीए इंटरमीडिएट में होंगे तो जो जितने सब्जेक्ट आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं वो आपके सारे सब्जेक्ट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कवर करते हैं. तो कोई भी एडिशनल लोड नहीं होता. और बच्चों जब आप रेगुलर कॉलेज जाते हो ना तो आप 50 लोगों से और मिलते हो. जब आप और लोगों से मिलते हो अब वहां पर आपको कॉलेज की वर्किंग समझ में आती है. देखिए अभी आप क्या हुआ आप कॉलेज अगर नहीं जा रहे हो तो आप बस घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो. जब आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज में अगर फेस्ट हो रहा है एनुअल फेस्ट हो रहे हैं तो उसकी फंडिंग भी आप ही को अरेंज करनी है. आप अलग अलग सोसाइटीज का पार्ट होंगे अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों से मिलेंगे उनके कल्चर को पहचानेंगे. तो सर, आप कॉलेज इनको भेज रहे हैं ताकि वो सोशल स्किल सीख सके उसके लिए सर कोई क्लब ज्वाइन कर लें. बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड बच्चा अगर सुबह कॉलेज जाता है एक तो वो क्लासेस की अटेंडेंस के लिए टाइम वेस्ट कर रहा है उसकी सीए की क्लासेस में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. आपको ये मानना पड़ेगा कि सीए की स्टडी में क्लासेस के लिए टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज होता है. फिर सर एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हम जो सीए के टीचर्स हैं वो किसी एक लेवल पे पढ़ाते हैं और बीकॉम में आपको पता है लेवल ऑफ स्टडी इतना हाई नहीं है. तो कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उस बात से और वो फोकस छोड़ देता है. चलिए सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं आज की डेट में अगर एक बच्चे ने हाँ एज अ बैकअप अगर बच्चे को चाहिए भाई अगर सीए नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा. मैं उस थॉट प्रोसेस से एग्री नहीं करता हूं बिकॉज मैं ये मानता हूं कि अगर आपने ये ठान लिया कि आप सीए करेंगे तो वो सीए होगी होगी. एंड अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव नाउ शिफ्टेड या तो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं बीकॉम भाई चलो अगर बीकॉम की डिग्री लेनी है तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेते हैं या इग्नू के साथ टाइप है आईसीआई का. आईसीआई ने भी तो इसीलिए कर रहा ना सर कि आप इग्नू के साथ टाइप कर लिया भाई आप 5 पेपर दीजिए आपको बीकॉम का डिग्री मिल जाएगा. बिकॉज आई बिलीव इट इज डाइवर्टिंग द फोकस इट इज टेकिंग अवे द फोकस फ्रॉम सीए. एंड नकुल सर इस बात पे आप एग्री करोगे कि सीए इंटरमीडिएट भी अगर हो जाए वो भी ग्रेजुएशन से ज्यादा वैल्यू रखती है. सर 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 नहीं मैं अब इस बात पे ये आप कन्विंस हो गए लग रहे हो आप कन्विंस हो गए लग रहे हो. नहीं मैं बिल्कुल ये कहूंगा बच्चों आप बात को ध्यान समझो कि आपको इग्नू से डिग्री मिलेगी बिल्कुल मिलेगी लेकिन और ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप मिसमैच कर पा रहे होगे. आप सीए पर फोकस करो सीए पढ़ो जो आप सीए के अंदर इंटरमीडिएट लेवल में भी जो आप पढ़ लोगे ना वो आपके बीकॉम के तीनों ईयर्स को निकाल देगा. तो सर मेरे हिसाब से पढ़ाई का मिसमैच तो आता ही नहीं है. मैं अगर अपनी बात करूं खुद तो मैंने खुद ने रेगुलर कॉलेज से ही करी है और मैं खुद इंटरमीडिएट में जब था तो मैंने रियलाइज करा कि मेरे पास इनकम टैक्स भी है जी जो सीए में भी आता है मेरे पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है जी जो सीए में आता है. बीकॉम में एक दो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्रॉब्लम ये है कि जब बीकॉम के एग्जाम्स आ रहे होते हैं उस समय ठीक सीए की स्टडी हो रही होती है केवल एक डाइवर्जन ऑफ अटेंशन आता ही आता है और कहीं ना कहीं सीए की स्टडी में कॉम्प्रोमाइज होता है. या तो बच्चा ये सोच ले कि मैंने बीकॉम के पेपर्स में जाके सिर्फ बैठना है
कि भाई चलो मेरे जितने भी परसेंटेज आते हैं चलेगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा या करूंगी, देन आई एम स्टिल ओके विद इट. बट इवन देन रेगुलर कॉलेज का अटेंडेंस का जो टाइम है, आप देखो हमारी सीए की क्लासेस जब चल रही होती हैं, 6-6 घंटे की तो क्लासेस चल रही हैं, इन एडिशन बच्चा अगर 4-5 घंटे कॉलेज चला जाए तो सेल्फ स्टडी कब करेगा. सो आई डोंट नो सर, आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में ये ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, आई थिंक इट हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ इट्स रेलेवेंस बिकॉज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एवरी मेजर कोर्स इन द कंट्री. हाँ, एक फील गुड फैक्टर जैसे आपने बोला घूमने जाना है तो वो ठीक है, आई थिंक उसके लिए बहुत सारी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत सोचना. आप बताइए क्या वैल्यू एड कर रही है बीकॉम, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन ऑफ चाइल्ड लर्निंग. मैं बताता हूँ सर, आप SOL से काम कर रहे हो और आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो, मान लो आप इंटरमीडिएट में हो, इंटरमीडिएट करते करते आपको रेगुलर कॉलेज से, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपको सीए करने के बाद जितना पैकेज नहीं मिलेगा उतना वहां पर आपके पास रेडी खड़ा है. आप करके देखो वहां से, बिल्कुल रेडी खड़ा है. सर मैं इसमें एक चीज और कहता हूं, आपने कहा क्लब क्लब ज्वाइन कर लो सोशल सोशल के लिए और अपना सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए. सर क्लब्स के अंदर आपको लिमिटेड लोग मिलेंगे. मैं क्यों बार बार कहता हूं कि सर देखिए, मेरे को बाकी यूनिवर्सिटीज का नहीं पता क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपको अपने कॉलेज का एनुअल फेस्ट, एनुअल कल्चर फेस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करने होते हैं, स्पॉन्सरशिप आपको लेके आनी है, पूरा मैनेज आपको करना है, और तो ये सारी चीजें सर आपको अपने आप ही चीजों को सिखा देती है. कितने बच्चे हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं. मैं तो एक बहुत लोग हैं, मैं एक ओवरऑल ओपिनियन ये लेना चाह रहा था कि ग्रेजुएशन का वैल्यू ऐड क्या है आज के दिन. आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एडिशन ऑफ अ ग्रेजुएशन. यस, एक पॉइंट जो आता है कि अगर सीए नहीं होती तो शायद हमें ग्रेजुएशन की जरूरत होती है बाकी कोर्सेज के लिए. समवेयर आई कैन एग्री कि वहां पर शायद होगी, पर वहां पर भी अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेगा चल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम यूएस सीपीए का डिग्री जहां पर आपको शायद रेगुलर कॉलेज चाहिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस यू कैन यू नो जो ग्रेजुएशन है वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी चलता है. तो ग्रेजुएशन तो हर जगह कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है. आई एग्री विद यू कि हाँ सोशल स्किल्स का एक जरूर एड ऑन है एंड दैट कॉलेज लाइफ आई बिलीव इज. मैं बोलना चाहूंगा अगर सोशल स्किल्स की इतनी इंपॉर्टेंस ना होती तो हमारा इंस्टीट्यूट फिर GMCS और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स क्यों करवाता है. मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं GMCS भी गया हूँ और मैं MCS भी गया हूँ. पहले GMCS होता था, फिर उन्होंने कोर्स चेंज करके MCS लेके आए. तो सर वो 15-20 दिन की एक्टिविटी होती है और वो ना वो बड़ा ये पता है कि हर दिन एक फैकल्टी आएगी, अगले दिन जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे तब तक फैकल्टी आपकी चेंज हो जाएगी. यहाँ पर आपके साथ में जो प्रोफेसर जुड़े होंगे आप उनसे ओवरऑल गाइडेंस ले सकते हो, और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल. अच्छा, मैं इस चीज में झुकाव मेरा क्यों है मैं आपको बता दूं बड़ा, क्योंकि सर मैं खुद भी प्रोफेसर भी हूँ. अच्छा. मैं खुद UGC नेट और JRF क्वालिफाइड हूँ, तो मेरे को पता है. मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो साथ में करते हैं. और अटेंडेंस की बात रही सर, मैं एग्री करता हूँ, ये एक पॉइंट है, ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि स्टडीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हैं, बट सर यही तो जीवन है, अगर अभी नहीं जिएगा तो कब जिएगा. चलिए, आई थिंक वी ब्रॉट आउट ऑल द गुड एंड द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ जॉइनिंग अ कॉलेज. मैं एक बार समरी कर देता हूँ. व्हाइल बोथ ऑफ अस एग्री कि सोशल स्किल्स, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दैट एज ऑफ गोइंग ग्रोइंग अप इज इम्पॉर्टेंट एंड वो शायद कॉलेज लाइफ देगी आपको. बट एट द सेम टाइम अगर आपका फोकस सीए है तो इट डज टेक अवे योर टाइम, योर एनर्जी फ्रॉम यू. सो इफ यू आर सेंसिबल इनफ आप एक मिडिल पार्ट ढूंढ सकते हैं वेर एन आई थिंक कई कॉलेजेस हैं जो रिकग्नाइज करते हैं कि सीए की पढ़ाई है और वहां पर अटेंडेंस में दे गिव यू अ सर्टन परसेंटेज का लेवरेज देते हैं. चंडीगढ़ में ऐसे कॉलेजेस हैं जो सीए के बच्चों के लिए शायद अलग से एक क्लास उनकी होती है जहां पर उनकी अटेंडेंस को भी थोड़ा सा लीनियंटली लिया जाता है बिकॉज दे आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग की ये सीए कर रहे हैं. तो शायद ऐसा कॉलेज ढूंढिए या वॉट एवर वे यू वर्क अराउंड इट. आई थिंक द फोकस फ्रॉम सीए शुड नॉट शिफ्ट.
एंड जो आप पेपर देने जा रहे हो बीकॉम के, वो शायद इतना टाइम एफर्ट पूरा महीना अगर वेस्ट कर देंगे सर मार्च का, तो आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। सो प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा बच्चों कि आप सीए की स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज करें, जो आप सीए में पढ़ रहे हैं ना आपका वही कंटेंट आपके बीकॉम में भी आएगा। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप देखेंगे, उसके बीकॉम का सिलेबस देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका 80-85% जो सिलेबस है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और थ्योरी सब्जेक्ट्स का भी वो सेम है। जो एडिशनल चीज है आपको उसके लिए एडिशनल एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। चलो ठीक है, आई थिंक वी लीव इट टू द स्टूडेंट्स टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू, बट हमने प्रोज और कॉन्स दिखा दिए। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज लिखो, वी शैल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर। और अगर किसी और टॉपिक पे यू वांट अस टू कम एंड फाइट अगेन, प्लीज राइट दैट डाउन एंड वी शैल कम अगेन। टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू सर।